पाकिस्तान में विकिपीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विकिपीडिया वेबसाइट पर यह कार्रवाई इशनिंदा के संबंध में की गई है। पड़ोसी मुल्क ने विकिपीडिया पर इशनिंदा से संबंधित कंटेंट नहीं हटाने का आरोप लगाया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने दावा किया है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव 10 से 12 अप्रैल से पहले हो जाएंगे। मुंबई में दहिसर में फायर ब्रिगेड में महिलाओं के लिए एक भर्ती अभियान ने कई युवा महिला उम्मीदवारों के बीच आक्रोश और विरोध को जन्म दिया है। उन्हें लंबा न होने के कारण आयोग घोषित कर दिया गया है। आर्थिक सहायता देने पर उठाए सवाल, केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को वहां के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 4 फरवरी सरकार से सवाल किए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली का फंड काटकर तालिबान को फंड देना क्या सही है? लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की रिहाई की सराहना की। थरूर ने कहा कि कप्पन की रिहाई से पता चलता है कि यूएपीए लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल की जमानत जेल नहीं टिप्पणी को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि गांधी की भूमि में कप्पन के साथ अमानवीय व्यवहार निंदनीय है। नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर वाणी जयराम का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस खबर से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। चेन्नई पुलिस ने बताया कि वाणी जयराम अपने घर पर मृत पाई गई हैं। इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के ऐलान के बाद राज्य पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इसे बाल विवाह के खिलाफ राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करोड़ों यात्रियों को खुशखबरी देते हुए यह ऐलान किया है कि अब रेलवे ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म टिकट प्रदान करेगा। इसके लिए इंडियन रेलवे ने अपनी टिकट क्षमता में इजाफा करने का फैसला किया। अपनी स्थापना के 73 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्थापना दिवस समारोह मनाया। कार्यक्रम में सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ समेत कोर्ट के सभी जजों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में पूरी दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई। दिल्ली के जामिया में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया। हैदराबाद से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जिनकी शादी हुई है उन लड़कियों का क्या कसूर है। गुवाहाटी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां गुवाहाटी में उल्फा के किए गए बम ब्लास्ट में शामिल होने की वजह से पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया था। उसे अब असम के राज्यपाल ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। राज्यपाल से पदक हासिल करने के बाद लड़की के परिवार में खुशी का माहौल है। साल 2019 में गुवाहाटी में हुए विस्फोट में 12 लोग घायल हुए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि दो टैक्स सिस्टम के जरिए सरकार लोगों को ज्यादा विकल्प और बढ़िया विकल्प दे रही है। लोगों को टैक्स बचाना है तो वो पुराने टैक्स सिस्टम को छोड़ सकते हैं और नए टैक्स सिस्टम में आ सकते हैं। सरकार ने उनको ज्यादा विस्तारित ऑप्शन दिए हैं और लोगों के पास ये चॉइस है कि वो किस टैक्स रिजीम में रहकर मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में आवारा जानवरों से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। इसे संज्ञान में लेते हुए सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डीएम को पत्र लिखकर आवारा जानवरों को पकड़कर गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाने का आदेश दिया। पत्र के साथ सांसद ने पूरे लोकसभा में गुपचुप तरीके से आवारा जानवरों की ग्राम सभागार में संख्या भी भेजी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से भारतीय जनता पार्टी सांसद संगमित्रा मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से उपजे विवाद से किनारा करते हुए कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव पर ध्यान दे रही हैं और वह बीजेपी के टिकट पर ही आगामी आम चुनाव लड़ेंगी।